अज असी बनाई है खिचड़ी मोठां दी। मोठां दी खिचड़ी सर्दियां दा तोहफा हुंदी है। सर्दियां दे विच इहनूं खाण नाल सर्दी कटदी है, खांसी जुकाम नूं अच्छी हुंदी है, बहुत सारी एनर्जी आउंदी है। ते असी बनाई है ते देखो तुसी किवें बनाई है, तुहानूं खा के दिखाने। वाओ यम्मी। इहनूं तुसी अचार दे मसाले नाल, अंब दे अचार नाल, करौंदे दे अचार नाल, लसूड़ियां दे अचार नाल या निंबू दे अचार नाल खाओ ते लवो आनंद। लो जी बना रहे हैं मोठां दी दाल दी खिचड़ी। एक गिलास असी मोठ लै लेने ए वाले, ते इन्हां मोठां नूं अच्छी तरह चुन लेना है क्योंकि इहदे च कोड़कू कई वारी हुंदे आ। इन्हां नूं चुन के ते धो लैने आ। ए असी मोठ लेने धो, ते इस नूं असी दो गिलास पावांगे पानी दे, ते पा के ते मोठ पा देंगे। पहलां पानी ज़्यादा नहीं पाना ताकि मोठ जल्दी गल जाए। जे तुसी ज़्यादा पानी पाओगे तो मोठ देर नाल गलनगे, थोड़ा पानी पाओगे तो जल्दी गलनगे। इहदे विच असी पाने आ नमक। एक चमचा नमक दा पा के ते इस नूं असी कुकर नूं बंद कर देना, कुछ होर नहीं पाना। ते फिर असी की करना है, बाद विच इहदे विसल आ जाएगी, जदों एक विसल दिला के ते 10 मिनट असी होर लगावांगे। बंद हो जा भाई, खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। लो जी इहनूं बंद कर दिता। इहदे च एक विसल तो बाद 10 मिनट पे रहणगे, फिर खोलांगे दाल। चेर खत्म हो गया। एक विसल तो बाद असी 10 मिनट दाल होर पक्कन दित्ती। दाल देखो असी पानी ज़्यादा नहीं पाया, ते ये दाल जड़ी है वैसे गल के बिल्कुल तैयार है। जे आपां ज़्यादा पानी पावांगे ना ते दाल गलेगी मुश्किल, घट पानी पावांगे तो ठीक वाली गल जाती है। हुण वारी आ गई है चौलां दी। चौल जड़े ने वैसे तो एक गिलास दे विच एक गिलास ही चावल पैंदे ने, पर मैं थोड़े पा रही हाँ चावल। मैं पा रही हाँ पौना गिलास, ठीक है, पौना गिलास चावल पा के ते फिर असी पाने पानी। साढ़े कोल पौना गिलास चावल सीगे जिदे असी खिचड़ी दे विच पानी ज़्यादा पैंदा है। असी पाया एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, पूरे नहीं है, एक गिलास होर पेगा इहदे विच पानी। ती एक गिलास होर पा दिता, ते असी पाया सी दाल विच नमक, ते हुण असी भी चावलां दे हिस्से दा नमक भी पावांगे। फिर रह गया हुण साडा घी। घी लियाओ जी, कड़छी लियाओ। इहदे खिचड़ी दे रिन्नन वक्त ही इस खिचड़ी च घ्यो पै जाणा चाहीदा। एक कड़छी असी भर के पूरी घी दी पाती, फिर असी बाद विच इहनूं घी दा तड़का देंगे, जिहड़े साडे घरां दे विच दित्ते जांदे सी घी दे तड़के। ते इहनूं असी हुण बंद कर देना है, कड़छियां कढ देनियां बाहर। ते पानी अजे भी घट भी हो सकता है, लेकिन जे घनी घनी वाली खिचड़ी खानी है तो पानी इन्ना ही काफ़ी है। असी इहनूं बंद करके ते एक विसल जड़ी है फिर दवावांगे, फिर खोलांगे, फिर इहनूं लगेगा घी दा तड़का। खिचड़ी हो ऑफ निकल गई, ते देखिए पक्की है कि किवें है। हाँ जी बहुत वधिया घुल गई है, और पूरा पानी जिन्ना होना चाहिदा ओनी है। और देखो चौल असी इहदे च पाए सी अद्धे वाले, अधड़ जिन्हों कहिंदे आ उह पाए सी। इहनूं उतार के रख दिंदे आ। असी देना है घी दा तड़का खिचड़ी नूं। घ्यो खिचड़ी दा एक बड़ा ही अच्छा कंबीनेशन है। जेकर किस कोई बहुत रल मिल के रहिंदे होण तां कहिंदे ने घ्यो खिचड़ी हो गए,
घ्यो खिचड़ी क्यों हो गए? क्योंकि घ्यो तो खिचड़ी दे विच पाया हुआ घ्यो जिन्ना मर्जी हो पता ही नहीं लगता। असी देना है खिचड़ी दा खिचड़ी नू घ्यो दा तड़का। की असी कलका लिया ते खिचड़ी दे विच पा लिया। खिचड़ी दिखाओ मैडम जी, खिचड़ी जी ए बन गई घ्यो खिचड़ी। खिचड़ी नू लगाया घ्यो दा तड़का। और ए सर्दियां दे विच जड़े भी लोग चाहते ने थोड़ा गर्म खाना तो इसनू जरूर खाओ ते एंजॉय करो विद योर किड्स। थैंक यू सो मच।